सुप्रभात। आज हम रुचिरा के द्वितीय भाग से चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलन पढ़ रहे हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलन। इस पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग विभक्ति वचन में परिवर्तित नहीं होते हैं। इनका रूप वैसा का वैसा बना रहता है। इस पाठ में आज हम बालक कवि के हास्य सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ चार बालक कवि हैं जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं और अपनी कविता के द्वारा दूसरों को हंसाने का कार्यक्रम करने वाले हैं। पाठ शुरू करते हैं। विभिन्न वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक कवि मंच के ऊपर उपविष्टा बैठे संती हैं। विभिन्न वेशभूषा को धारण किए हुए चार बालक कवि मंच पर बैठे हुए हैं। अधः नीचे श्रोता हास्य कविता श्रवणाय का अर्थ होता है सुनने के लिए। संती है कोलाहलम आवाज शोर चय और कुर्वंती कर रहे हैं। नीचे जो श्रोता बैठे हुए हैं वो हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। संचालक महोदय कहते हैं, संचालक महोदय अलम मना करने के लिए, ये अव्यय शब्द है, मत अलम का अर्थ होता है मत, कोलाहले शोर मत करो, अध्य आज, परम बहुत, हर्षस्य हर्ष का, यत कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले, काल यापक काल यापक का अर्थ होता है समय को बर्बाद करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधरा यानी श्रेष्ठ समागता संती। संचालक महोदय कहते हैं कि आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। यही आइए करतल ध्वनिना, करतल यानी तालियों और ध्वनिना यानी आवाज़, तालियों की आवाज़ से, तो तालियों के द्वारा व्यायाम हम सब एतेषां इनका कूर्मः करें। आइए तालियों की आवाज़ से हम सब इनका स्वागत करें, यानी कि तालियों के द्वारा हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर नाम का एक बालक कवि है जिसका नाम गजाधर है और वो उठकर आता है और बोलना शुरू करता है। तो क्या बोल रहा है वो? गजाधर कहता है, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथमम यानी पहले, तावत तब तक, अहम मैं, वेद्यम यानी वेद, मैं पहले आधुनिक वेद के विषय में उद्दिश्य स्वीकियम काव्यम श्रावयामि, उनके उद्देश्य से यानी आधुनिक वेद के विषय में अपनी कविता को सुनाता हूँ। तो क्या कविता है उनकी? वेदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वेद्यः प्राणान धनानि च। वेदराज, वेद को कहा गया है
नमस्तुभ्यम, नमस्कार है। यमराज सहोदर, सहोदर का अर्थ होता है सगा भाई। यमस्तु, यमः प्लस तू, तू यानी तो, यमः यमराज, हरति यानी हरण करता है, प्राणान प्राणों को, च और। गजाधर कहते हैं हे वेदराज, यमराज के सगे भाई, तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु वेद तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सर्वे उच्चेह हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, अब कालांतक क्या कहता है? अरे वेदास्तु सर्वत्र, परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। जनसंख्या निवारण में मादृशः, मेरे जैसे, कुशलः कुशल, सर्वत्र सब जगह। अरे वेद तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरा जैसा कुशल नहीं है। ममापि, मम प्लस अपि, मेरी भी या मेरा भी, काव्यम काव्य को, इदम यह, श्रुणन्तु भवन्तः, सुनिए भवन्तः यानी आप मेरी यह कविता भी सुनिए। क्या कह रहे हैं कालांतक कवि? चिंताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कश्येदं हस्तलाघवम्। चिंताम, चिता, प्रज्वलिताम, जलती हुई को देख, दृष्ट्वा देखकर, विस्मय मागतः, आश्चर्यचकित हुआ, नाहम, न प्लस अहम, मैं नहीं, गतो यानी गया, भ्राता भाई, कस्यदम, कस्य प्लस इदम, कस्य यानी किसका, इदम यानी यह, हस्त लाघवम, हाथों की कला। तो कालांतक कहते हैं वेद जलती हुई चिता को देख करके आश्चर्य को प्राप्त हुआ, वह सोचने लगा मैं तो वहाँ गया ही नहीं और ना मेरा भाई वहाँ गया, यानी ना मेरा भाई यमराज को कहा है यमराज वहाँ गया, फिर यह है किसके हाथों की कला है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदिल कहता है, तुंदिल कहते हैं पेटू को। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य तुंद के यानी पेट पर, ऊपरी यानी ऊपर, पेट के ऊपर हस्तम हाथ को आवर्तयन फेरते हुए। तुंदिल पेट पर हाथ फेरते हुए आते हैं, क्या कह रहा है? तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ, ममापि मेरी भी, इदम काव्यम यह कविता, श्रूयताम सुनिए, जीवने जीवन में, धार्यताम च और धारण करें। तुंदिल कहता है मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में धारण कीजिए या अपनाइए। कौन सी कविता है उनकी? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम पराया अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे मूर्ख दुष्ट, मा यानी मत, मना करने के, शरीरे शरीर में,
कुरु यानी करें, दुर्लभम यानी दुर्लभ है, लोके संसार में पुनः पुनः बार बार। तुंदिल कहते हैं, हे मूर्ख, पराए अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न तो दुर्लभ है और यह शरीर तो बार बार आता ही रहता है। सर्वे पुनः अट्टासम कुर्वन्ती, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। चरवाकः, चरवा क्या कहता है? आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य शरीर का, सर्वथा सभी प्रकार से, उचितमेव उचितम प्लस एव उचित ही है। तो कवि कहता है, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, नास्ति न प्लस अस्ति, नहीं है, यदि धन नहीं है तदा तब, ऋणम ऋण कर्ज, कृत्वापि लेकर भी, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य, भोक्तव्य का अर्थ होता है भोग करना, भोग करना चाहिए। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर के पौष्टिक पदार्थ का भोग करना ही चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कविः, फिर चरवाक कवि कहते हैं, क्या कह रहे हैं कवि? याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उनकी कविता है ये। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं? यावत जीवित, तो यावत प्लस जीवित, यावत यानी जब तक जिए, सुखम जीवित सुख से जिए, ऋणम कृत्वा ऋण करके, घृतम यानी घी, पीबेत यानी पिए। तो जब तक जिए सुख से जिए, चाहे ऋण लेकर के घी पिए। श्रोता रह, अब श्रोता क्या कह रहे हैं? तरही तो ऋणस्य ऋण का, कर्ज का प्रत्यर्पणम लौटाया जाए, कथम यानी कैसे, तो ऋण यानी कि कर्ज कैसे लौटाया जाए? तब चरवा कहते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अवशिष्टम यानी बची हुई शेष, सुनिए मेरी शेष बची हुई कविता। क्या कविता है उनकी शेष बची हुई? घृतम पित्वा, पित्वा पीकर, श्रमम कृत्वा करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, जनः लोगों का, और प्रत्यर्पयेत यानी चुका दें उतार दें। व्रतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पी करके परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दें। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आसु कवितां रचयति, रचयति यानी बनाता है या रचना करता है। हास पूर्वकम च श्रावति, हंसते हुए सुनाता है। तो काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित होकर के एक बालक कवि भी अपनी आंसु कविता की एक रचना करता है और हंसी के साथ उसको सुनाता है। क्या कविता है वह? बालकः, बालक कहता है, श्रूयताम सुनिए, श्रूयताम सुनिए वो, अरे ममापि मेरी भी, मेरा भी काव्यम काव्य को, बालक कहता है आप मेरी भी कविता सुनिए, सुनिए
क्या कविता की रचना की है उसने? गजाधरम कविम चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। नमाम्यहम का अर्थ होता है नमस्कार, मेरा नमस्कार या मेरा प्रणाम। बालक कहता है मैं गजाधर कवि पेटू और खाने के लोभी यमराज को, वेद को और चरवाक को प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसती। काव्य को सुनकर के बालक हा 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 करके हंसता है। अन्य चापी च प्लस अपी और भी, और दूसरे भी हंसते हैं, हसंती हंसते हैं। सर्वे सभी गृहम घर को गच्छंती जाते हैं, सभी हंसते हैं और अपने अपने घर को जाते हैं। धन्यवाद।